सैनिटाइज करने में तुले हुए हैं, जो शिक्षा से गरीब छात्रों को निकालना चाहते हैं, वो ताकतें सिर्फ हिंदुस्तान में, सिर्फ इंडिया में सीमित नहीं है, वो ताकतें दुनिया में हर जगह ऊपर आ रहे हैं। एक दुनिया में देश है वेनेजुएला, जहाँ हमारी जो मांग है यूनिवर्सल राइट टू एजुकेशन, वो सचमुच वहाँ लागू हुआ है, लेकिन वो जो सरकार जिसने यूनिवर्सल राइट टू एजुकेशन को लागू किया था, उसको अभी निकालने पे अमेरिकन गवर्नमेंट तुला हुआ है, उसके ऊपर मिलिट्री हमला अभी करने पर ट्रंप, प्रेसिडेंट ट्रंप तुले हुए हैं। तो ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई सिर्फ हिंदुस्तान की नहीं है, ये लड़ाई सारी दुनिया में इसी तरह की लड़ाई चल रहे हैं। हम कहते हैं कि हमारे यहाँ समझ लीजिए दलित वर्गों को शिक्षा से निकालने की कोशिश हो रही है, लेकिन वेनेजुएला में ब्लैक स्किन लोगों को, ब्लैक्स मिक्स्ड कलर के लोगों को निकालने पे वहाँ के जो लोग अभी के सरकार के खिलाफ लड़ाई कर रहे हैं वो तुले हुए हैं। तो ये जो फैशिज्म, ये फैशिज्म सारी दुनिया में उभर के आ रही है, और इसीलिए आ रही है कि हमारे यहाँ नए उदारवाद की जो नीति लागू हुई थी, वो नया उदारवाद अब खत्म हो चुका है सारी दुनिया में। अब उसका एक बहुत बड़ा क्राइसिस आया है, उस क्राइसिस की वजह से हमारे यहाँ आप देखते हैं बेकारी बढ़ रही है। बेकारी बढ़ रही थी, अब तो बिल्कुल ही बहुत बुरा हाल है। क्यों इतना बुरा हाल है? मोदी ने तो तोड़ दिया हमारी इकोनॉमी को, डीमोनिटाइजेशन वगैरह वगैरह करके, लेकिन इसका एक और भी बहुत बड़ा वजह है कि सारी दुनिया में नए उदारवादी जो अर्थनीति है उसका एक संकट है। इसी वजह से हर जगह आप देख रहे हैं बेकारी बढ़ रही है, बेकारी बढ़ रही है। इसीलिए ट्रंप ने वहाँ अमेरिका में प्रोटेक्शन लागू किया कि हम दूसरे देशों के सामान नहीं खरीदेंगे। अब वो कह रहे हैं हिंदुस्तान के खिलाफ भी वही प्रोटेक्शन लागू होगा जो उन्होंने चाइना के खिलाफ लागू किया है। तो इसीलिए अभी जो ये जो संकट बढ़ रहा है, संकट के समय हमेशा कॉरपोरेट ताकतों की ये चेष्टा होती है कि वो किसी सांप्रदायिक शक्ति से, वो किसी रेशियल शक्ति से जुड़ जाएं, जैसे कि उनका पोजीशन और मजबूत हो जाए। इसीलिए अभी हर जगह एक फैशिज्म चल रहा है, कहीं व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट फैशिज्म, कहीं हिंदू सुप्रीमेसिस्ट फैशिज्म, कहीं और कोई टाइप का फैशिज्म, हर जगह व्हाइट रेसिस्ट फैशिज्म, यूरोप में एंटी इमिग्रेंट फैशिज्म, हर जगह चल रहा है। और ये फैशिज्म का एक मुख्य लक्षण है कि हर जगह सार्वजनिक शिक्षा के ऊपर अटैक करना, हमला करना, यही हम हमारे देश में देख रहे हैं। इसके खिलाफ हमें लड़ना है, और इस लड़ाई में हम लोग सब शामिल हैं, और इस लड़ाई में शामिल होकर इतने लोग इतने तादाद में यहाँ आए हुए हैं, ये देखकर मुझे तो बहुत गर्व होता है, जोश होता है। इंकलाब जिंदाबाद।